हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज किस वीडियो में है, आज बता रहा था कि मैं सेकंड हैंड अलॉयज़ के बारे में। तो मैं एक अपना अलॉय ठीक करवाने गया हूँ कुछ दिन पहले, तो आपने वीडियो देखी होगी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सेकंड हैंड अलॉय जितने भी आते हैं, चार में से एक या दो तो पक्का उनमें कोई डैमेज होता है या तो उनमें रिपेयरिंग हुई होती है, वरना बिना दिक्कत के कोई अपनी नई गाड़ी के अलॉय, नए अलॉय कोई नहीं उतरवाता। और शौक़ से कोई उतरवा लें, 10% इंसान अगर उतरवाते हैं उतरवा सकते हैं, लेकिन वो प्राइस पूरा लेते हैं। अगर अलॉय के अंदर दिक्कत होती है तो जो कारपेंटर्स है वो अलॉय का प्राइस पूरा नहीं देते, लेकिन हमसे पूरा ले लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप सेकंड हैंड अलॉय डलवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अलॉय की पूरी तरह जाँच कीजिए। अगर किसी एक अलॉय के अंदर ही अगर आपको डैमेज दिख रहा है तो एक अलॉय की कीमत आधी से भी कम रह जाती है, यानी अलॉय 8,000 का है तो वो अलॉय 3,000-2,500 रुपये का रह जाता है आपका, अगर उसमें अंदर उसके अंदर कोई डैमेज है तो, क्योंकि उसको रिपेयर करवाने का खर्चा 500 से 1,000 हो जाता है। तो कम से कम प्राइस उसका दीजिएगा। और जैसे कि आजकल प्लाटे के अलॉय आते हैं 25,000 से रेंज स्टार्ट है उनकी, 15 इंच की। जैसे कि मैंने पूछा था, मैंने अलॉय चेंज करने का प्लान किया था एक बार, लेकिन जो सेम अलॉय मैं दे रहा था वो अलॉय मेरे 15,000 के काट रहे थे, क्योंकि मेरे वाले अलॉय हैं वो 28,000 रुपये के हैं और 15,000 के काट रहे थे आधी कीमत में, क्योंकि उनमें एक अलॉय जो है वो डैमेज था। तो तीन अलॉय के प्राइस ही मुझे मिल रहे थे, एक अलॉय का प्राइस मुझे नहीं मिल रहा था, तो सेकेंड हैंड के हिसाब से ही। लेकिन आप अगर वही अलॉय लेने जाते तो आपको वही अलॉय 20,000 के दे देते हैं, वो 20,000-22,000 के, यानी आपको एक अलॉय के पीछे 1,500-2,000 रुपये डिस्काउंट बड़ी मुश्किल से मिलता। तो सेकेंड हैंड अलॉय आप ले रहे हो तो आप काफ़ी ध्यान से चेक करें उन अलॉयज़ को, फिर आप ऐसा सौदा करिएगा कि आपको कहीं कोई टेढ़ा मेढ़ा अलॉय ना दे दे या दोबारा रिपेयर हुआ अलॉय आपको ना दे दे। तो ऐसे अलॉय आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अलॉय अगर आप ले लेते हो तो आपको फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो टूटा हुआ अलॉय अगर आप आगे लगाओगे तो इंजन के दाब से या पूरी गाड़ी के वजन से वो अलॉय डैमेज दोबारा हो सकता है और आपकी गाड़ी का काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ऐसा अलॉय अगर आप सस्ता मिल रहा है आपको, काफ़ी सस्ता मिल रहा है, यानी नए के प्राइस से 25% पे मिल रहा है तो आप ले लीजिए, 30% पे मिल रहा है तो आप ले लीजिए, लेकिन जो डैमेज अलॉय है उसको हमेशा पीछे रखो, आगे हमेशा ही बिल्कुल अच्छा अलॉय होता है उसको रखना चाहिए। तो आज की वीडियो अलॉयज पे थी, ये एक इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने बताना आपको ज़रूरी समझा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।